जो है वो अपने को क्या ज्ञात करनी थी, ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी थी। पहला था उसको अगर हवा में जलाया जाए तो एक मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, ठीक है, के साथ उसको अगर हवा में जलाया जाए इसका मतलब O2 जो है वो इसका भी क्या होगा, एक मोल होगा, ठीक है, यानी हवा में जलाया जाए मतलब इसका O2 का एक मोल मतलब 32 ग्राम। O2 का एक ऑक्सीजन का एक मोल बोले तो ऑक्सीजन परमाणु का एक मोल मतलब 16 ग्राम, ठीक है, और O2 ऑक्सीजन गैस का अगर बोले तो 32 ग्राम, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को, एक मोल कितना प्राप्त हुआ, CO2 यानी 44 ग्राम CO2, ठीक है, यानी अपने को प्राप्त हुआ, ठीक है, इससे एक मोल से। अब इसने पूछा है कि अगर एक मोल के साथ है, दूसरे में एक मोल कार्बन प्लस जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब जो होता है वो कितना होता है, 0.5 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, 0.5 मोल यानी आधा मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप क्या करिए कि जो इससे जो CO2 प्राप्त हुई तो CO2 का जो है वो कितना मोल होता है, एक मोल CO2 बराबर कितना होता है, 44 ग्राम, तो इससे प्राप्त हो रही है, क्योंकि इससे आधी होगी, इससे आधी होगी यानी 22 ग्राम, यानी आप 0.5 × 44 से गुणा कर देंगे तो आपको कितना मोल प्राप्त हो जाएगा, कितना ग्राम प्राप्त हो जाएगा, 22 ग्राम। कल उसका आंसर कितना है, 22 ग्राम, ठीक है। अगर उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पूछते तो 28 ग्राम, ठीक है, लेकिन इससे क्या पूछा है, इसमें मोल आधे कर दी, इस तरह से पूछा है, ठीक है। तो आगे हम इसको देखते हैं, पहला सवाल आपका जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श की जो है वो सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए जिसमें उसका जो है वो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो, 70% हो, और जिसका जो है वो घनत्व कितना दे रखा हो आपको, जो है 1.1 जो है 4 ग्राम ML, ठीक है, मिलीलीटर मिली प्रति लीटर दे रखा हो, ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर दे रखा हो। तो ये आपको पूछा है इसने, तो आप सबसे पहले सांद्र HNO3 जो है उसका जो है भार लिख दीजिए, भार कितना होता है HNO3 का, 1 हाइड्रोजन का, 14 नाइट्रोजन का और 48 ऑक्सीजन के हो गए। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ठीक है, O2 का पूछे तो 32 होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन का पूछे एक तो उसका होता है 16, 32 और 16, 48, ठीक है, तो कितना आ गया, 63, ठीक है, यानी एक मोल HNO3 का मतलब कितना होता है, 63 ग्राम, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है कि आपको उसका द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है, यानी 69% आपको क्या दिया गया है, ठीक है, यानी विलय का भार आपको पूछे, कैसे निकाल लीजिए, विलय का भार जो है वो 69 ग्राम मान लिया आपने, ठीक है, तो विलायक का भार अगर आप माना 100 ग्राम विलायक का, सॉरी विलियन का, ठीक है, विलियन का मिलियन का भार 100 ग्राम, ठीक है, आपको मिलियन का दिया है, मोलरता बराबर जो है यानी मोलरता बराबर कितना होता है कि विलय का भार बटा विलियन का भार, और यानी या लीटर में इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है, 100 ग्राम। अब आपको घनत्व दिया है तो आपको क्या करना है, आयतन लेना पड़ेगा, आयतन क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राम में दिए हुए हैं और मोलरता कभी ग्राम में नहीं निकलती है, तो मोलरता निकालने होते तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे विलायक का भार निकाल के और बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि विलयन का भार इतना है, तो अब आप देखिए तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे में आयतन, आपको क्या प्राप्त करना है, आयतन, तो m बटे में d यानी घनत्व, m कितना है जो है आपका, यानी द्रव्यमान कितना है 100, ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 1.41, ठीक है, ये यहाँ तक रख लीजिए, ठीक है, यानी ये आपके मिलीलीटर में हो गया। अब आप सूत्र लेके आइए, कौन सा, मोलरता वाला, मोलरता का सूत्र क्या होता है कि WB विलायक का भार बट्टे में विलायक का अणुभार आपने निकाल लिया है, ठीक है, सॉरी विलय का अणुभार, और गुणा में 1000 बट्टे में V जो है आयतन। अब आप इसमें मान रख दीजिए फटाफट, WB यानी आपको क्या करना है, इसका भार कितना दे रखा है, 69 ग्राम, ठीक है, बट्टे में
इसका कितना दे रखा है 63 ग्राम, क्या मोलर द्रव्यमान, ठीक है, गुणा में 1000, ठीक है, बटे में V, 100 बटे में 1.4, ये लिखना है आपको V, ठीक है, ये रख दिया। इससे आपको जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, सांद्रता मोल प्रति लीटर में, ठीक है, सांद्रता मोल प्रति लीटर में प्राप्त हो जाएगी। जैसे मोल प्रति लीटर में नहीं होगी तो मान आ जाएगा 15.44 मोल प्रति मिलीलीटर में, ठीक है, यानी मिलीलीटर इसमें आ जाएगी। अगर आप इसको ग्राम में जो है चेंज कर दोगे तो 0.1544 मोल, ठीक है, प्रति लीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, 100 ग्राम कॉपर से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि 100 ग्राम कॉपर से जो है वो यानी कितना कॉपर प्राप्त किया जाए, 100 ग्राम कॉपर में 100 ग्राम CuSO4, ठीक है, CuSO4 से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कॉपर का जो है वो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, पहले तो ये लिख लेते हैं, 63.5 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं कॉपर जो है CuSO4 का मोलर द्रव्यमान, ये भी देख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए 63, 32 और 64, ठीक है, ये आ जाएगा 163.5 ग्राम, ठीक है, 63, 64 और 32, ठीक है, इस तरह से आप जोड़ लीजिए, यानी 63 जो है 63.5 किसका हो जाएगा कॉपर का, और 32 किसका हो जाएगा सल्फर का, और जो है वो 16 × 4 इसका 64 किसका हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है, ये टोटल इसका 159 जो है वो 5 आ जाएगा। अब आपको इससे कॉपर प्राप्त करना है तो आप कह सकते हैं कि 163 यानी ये किसके बराबर है, 1 मोल, ठीक है, इसका 1 मोल हो गया ना कॉपर सल्फेट का 1 मोल, 163.5 अर्थात 1 मोल से कॉपर प्राप्त होता है कितना, 63.5, एक मोल से कितना ही होगा, एक ही अणु है इसलिए एक ऑक्सीजन अगर पूछते कितना होता है 64 ग्राम, ठीक है, यानी 4 मोल प्राप्त होते हैं, ठीक है, 1 मोल कॉपर सल्फेट से जो है वो 4 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं और 1 मोल सल्फर प्राप्त होता है और 1 मोल कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। अतः 100 ग्राम से प्राप्त कॉपर, ठीक है, फटाफट जो है वो 163.5 × 100 × 63.5 × 100 / 163.5, ठीक है, इसको फटाफट जो है हल कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा जो है वो 39.8% क्या ग्राम है, ठीक है, तो ये 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से जो है वो इतना कॉपर प्राप्त हो जाएगा। अब ये देख लीजिए आयरन के उस ऑक्साइड कार्बनिक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन और ऑक्सीजन के 30% क्रम से 69.9 और 30.1। कल हमने इस सवाल को कहाँ तक किया था, मूल अनुपाति सूत्र प्राप्त किया था, ठीक है, यहाँ तक कर लिया था, कितना आया था 80:0, ठीक है, यानी 2:3, यानी सूत्र क्या आया था Fe2O3, ठीक है। अब हम आगे हल कर देते हैं इसको कि n का मान निकालना होता है, तो आप देखिए अणु सूत्र का भार बटा में मूलानुपाति सूत्र का भार, ठीक है, अणु सूत्र का भार भी Fe2 जो है इसका जो आयरन और ऑक्सीजन का जो सूत्र है अणु सूत्र उसका भी भार कितना होता है जो है आपको Fe2O3 का भार जितना होता है, और अणु सूत्र और दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है,
मान होते हैं वो लगभग क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है उसके मान अगर देखना चाहें कितने मान अपने को प्राप्त होते हैं तो आप देख लीजिए 169.5/169.5, ठीक है। तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी एन बराबर कितना आ गया एक, ठीक है। तो आपको सूत्र पढ़ा हुआ है कि मूलानुपाती सूत्र गुणा में एन बराबर क्या होता है अनु सूत्र, ठीक है। तो क्या कर दीजिए एफ ई टू ओ थ्री गुणा में एक तो क्या आ जाएगा एफ ई टू ओ थ्री, ये सूत्र आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इतना हल करना था, यानी आप यहाँ देख लीजिए क्या है कि एफ ई टू ओ थ्री को एक से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा एफ ई टू ओ थ्री, ठीक है। बाकी मूलानुपाती सूत्र के सवाल हमने हल किए हैं। अब हमें क्या करना है, निम्न आंकड़ों के आधार पर जो है क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करना है। आपको आंकड़े दिए गए हैं जो समस्थानिक जो है 35 क्लोरीन है 35 क्लोरीन द्रव्यमान 35 परमाणु क्रमांक 17 ही रहता है, ठीक है। इसका भी 17 ये दोनों क्या है क्लोरीन के समस्थानिक है। इनकी प्राकृतिक बाहुल्यता बताइए, प्राकृतिक मतलब प्रकृति में कितने परसेंट जो है वो ये क्लोरीन पाया जाता है समस्थानिक और ये कितने प्रतिशत पाया जाता है ये बताया गया और इनके मॉडल द्रव्यमान भी बताए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी जो औसत अगर ज्ञात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, हमने टॉपिक पढ़ा था छोटा सा औसत परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है। क्या किया था हमने कि जो आपका प्राकृतिक बाहुल्यता है यानी प्राकृतिक बाहुल्यता गुणा में जो है मोलर द्रव्यमान, ठीक है, बट्टा में जो है आप इसके जो कुल आप इसका टोटल जो है यानी समस्थानिक है उसका मान लिख सकते हो, ठीक है। यानी टोटल कितना है प्रतिशत 75 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 100, तो 100 में से कितना हिस्सा जो है इसका आता है या कुछ इस तरह से भी लिख देते हैं। अब हमें दो समस्थानिक हैं तो दोनों को क्या करना होगा जोड़ना होगा, दूसरे वाले का भी यही करना होगा और दोनों को क्या करना होगा जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस उदाहरण से समझ लेते हैं कि पहले वाले को देखते हैं कि 75.77 गुणा में 34.9689, ठीक है। दोनों का गुणा फिर दोनों का जो है गुणा करके दोनों को जोड़ना है किसमें दूसरे वाले के प्रतिशत में, ठीक है। 24.23 गुणा में 36.96, ठीक है, बट्टा में 100, इससे क्या आ जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान इसका क्लोरीन का। तो हम कितना लेते हैं 35.5 लेते हैं ना तो 35.5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है जो मान दिए गए हैं आप लगभग जो मान औसत परमाणु द्रव्यमान जो होगी लगभग तो याद हो जाते हैं, ऐसा ही सवाल पूछते हैं तो आप आंकड़े रखना होगा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान, ये सवाल हो गया आपका हल। अब आते हैं एथेन के 3 मोलों में निम्न का परिकलन करना है, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या ध्यान रखना 3 मोल दिए गए हैं, ठीक है। ये 3 मोल यानी इसके 3 मोल, 1 मोल एथेन का मतलब क्या होता है 1 मोल एथेन यानी C2H6, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है एथेन, ये आपका क्या है एथेन, ठीक है। इसका 1 मोल मतलब कितने कार्बन हैं, 1 मोल का भार कितना होता है 12×2 प्लस 6×1, ठीक है, यानी 6 हाइड्रोजन और एक इसका क्या है द्रव्यमान, ठीक है, यानी 1×6 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24×6=30, ठीक है। 1 मोल एथेन जो है वो कितना हो जाएगा 30 ग्राम, हमें भार की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या क्या है, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या तो आपको दिए गए कितने हैं 3 मोल, ठीक है। 1 मोल में कितने कार्बन होते हैं
पहले तो देख लीजिए, एक मोल में कार्बन परमाणु, एक मोल एथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? दो, ध्यान रखो दो ही है ना, देखो ठीक है, एक मोल में कितने हैं? दो, तो तीन मोल में कितने हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? दो इंटू जो है थ्री, सिक्स कार्बन परमाणु, ठीक है। अब आते हैं दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या, ठीक है, छह मोल सीधा लिख दीजिए, छह मोल लिख दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु जो है कितने एथेन के अंदर? छह, एक मोल के अंदर कितने हैं? छह, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के एक मोल कितने हैं? छह, तो तीन मोल में कितने हो जाएंगे? तीन मोल में, हम एथेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीन मोल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे? तीन इंटू छः, कितने? अट्ठारह मोल, ठीक है, अट्ठारह मोल हाइड्रोजन, ठीक है। एथेन के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, कुल अणुओं की संख्या अगर कभी भी ज्ञात करनी हो तो आप मोलों की संख्या, मोल इंटू अणुओं की अयनीभवन संख्या, ठीक है। तो एथेन अणुओं की संख्या कितनी है कि तीन इंटू अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, या सीधा लिख सकते हैं एन ए, या लिख सकते हैं तीन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू दस की घात तेईस, ठीक है। इससे गुणा कर देंगे तो ये मान आ जाएगा लगभग जो है आपको अठारह और पॉइंट जीरो और सिक्स और अपना वन एट, इतना मान आ जाएगा, यानी अठारह पॉइंट जो है जीरो सिक्स, ठीक है, इतना मान है दस की घात तेईस है, वैसे की वैसी रह जाएगी, कुछ इस तरह से इसका हल करेंगे। लास्ट सवाल करते हैं, 20 ग्राम चीनी जो है उसके अंदर, यानी चीनी मतलब सुक्रोज आपका, को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन जो है दो लीटर हो जाए, तो चीनी के विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको विलय का भार डब्ल्यू बी कितना देर का है? 20 ग्राम, ठीक है। इसका अणु भार कितना होता है, यानी चीनी का अणु भार 342 सूत्र का होता है सी 12 एच 22 ओ 11, यानी आप कह लीजिए 12 को 12 से गुना, 22 एक 22 इंटू एक 11 इंटू 16 342, ठीक है, ये इसका अणु भार होता है। अब आपको क्या दे दिया गया है, यानी ये एम बी जो है आपको बता दिया गया है, ठीक है, एम बी हो गया, डब्ल्यू बी हो गया। आपको मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? आयतन कितना है? एक लीटर, तो दो लीटर, ठीक है, यानी बी जो है आपको कितना है? दो लीटर। तो आप लिख दीजिए डब्ल्यू बी बट्टे में एम बी गुणा में वी, और वो भी किस में? लीटर में, ठीक है। तो इसमें हज़ार लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लीटर में है, ठीक है, इसलिए डब्ल्यू बी कितना है? 20, और ये कितना है? 342, एम बी कितना है? 342, और ये गुणा में कितना है? 2, ठीक है। तो मोलरता कितनी आ जाएगी जो आप इसको हल करेंगे, तो आ जाएगी 0.029 मोल प्रति लीटर, कितनी आ जाएगी? 0.029 मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात चैप्टर 2 में, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किस प्रकार हुई? फैराडे के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, निर्वात नलिका, कांच की निर्वात नलिका से,
थॉमसन ने उसकी सहायता से जो है वो क्या किया, एक प्रयोग किया और उसने कैथोड और एनोड लगाए। कैथोड से जो है किरण निकल रही थी, उनको हमने कल क्या नाम दिया था, कैथोड किरणें। ठीक है, आज हम इनके कैथोड किरणों के गुण पढ़ते हैं, यानी इस प्रयोग से जो है थॉमसन को क्या प्राप्त हुआ एक प्रकार से वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कैथोड किरणें क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, दूसरी कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, क्या करती है, एक तो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन, एक कैथोड से एनोड की ओर गमन। ठीक है, जैसे ही ये किसी प्रतिदीप्त पदार्थ से टकराती है तो क्या उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। तो क्या कह सकते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ से टकराने पर चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, फ्लैट यानी बिल्कुल प्रतिदीप्त का मतलब क्या होता है, जिंक सल्फाइड हमने पढ़ा था, जो है वो पर्दे के पीछे लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है, जैसे ही ये एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके ऊपर कोई लाइट गिरती है तो उसका अवशोषण करता है, फिर उससे ऊर्जा जो वापिस उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ। प्रतिदीप्त पदार्थ से टकराने से क्या होगा, चमक उत्पन्न होगी। एक और पॉइंट अगर देखें तो ये किरणें जो हैं, ये किरणें जो है, जैसे ही इससे मान लीजिए इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो ये क्या होती है, विचलित होती है अपने पक्ष से। ये किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपने पथ से विचलित होती है। ठीक है, अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है। ठीक है, जैसे ही इन किरणों पर क्या लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, तो ये अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, अब ये इनमें जो पदार्थ भरा जाता है ना इस कांच की नलिका में, जो गैस या जो जिस पदार्थ के इलेक्ट्रोड बने होते हैं उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो लिख देना, ये किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति व नलिका में भरी गैस की प्रकृति है, यानी इलेक्ट्रोड का पदार्थ, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रोड बनाया या जिस धातु से इलेक्ट्रोड बनाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी नलिका में भरी गैस की प्रकृति, ठीक है, पर निर्भर नहीं करती, यानी इन प्रकृति से इससे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे निष्कर्ष का निकल सकता है कि हर पदार्थ में क्या होते हैं, यानी ये किरणें पाई जाती हैं। तो यानी प्रत्येक पदार्थ में ये कण पाए जाते हैं। ठीक है, इन कणों को क्या नाम दिया आगे देखेंगे हम, इन किरणों को, प्रत्येक पदार्थ में ये कण या किरण पाए जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अपने आप इसमें ये कण जो है अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। ठीक है, और इन कणों पर कौन सा आवेश होता है, इन कणों का व्यवहार जो है ऋणावेशित कणों, इन किरणों पर कह सकते हैं, अभी हम इनको किरण ही कह रहे हैं, बाद में इनको कण भी कहा गया, किरण भी कहा गया, इन किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अनुकूल था। इंपॉर्टेंट बात है, यानी जैसे ऋणावेशित कण व्यवहार करते हैं वैसे ही इनका व्यवहार था। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इन कणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अनुकूल था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। तो इन कणों को यानी इन किरणों को क्या नाम दिया गया, इन किरणों को इलेक्ट्रॉन है नाम
नाम से जानेंगे, कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे, जिसको हम कई बार ई माइनस से प्रदर्शित कर देते हैं। आप जैसे अपने नोट्स में शॉर्ट में लिखते हैं ई माइनस लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रॉन लगा के यहाँ नोट लगा देते हैं ई लिखे, ठीक है, ये भी चलता है अपने, ये सिंपल अपने भाषा में, ठीक है। अब थॉमसन द्वारा इनका क्या ज्ञात किया जाएगा, थॉमसन ने इन कणों के आवेश व द्रव्यमान, यानी थॉमसन क्या कर रहा था, इन कणों के आवेश व द्रव्यमान, आवेश द्रव्यमान का अनुपात, थॉमसन ने इन कणों के आवेश द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, यानी आवेश आप इससे पता बता सकते ई, और इसको एम ई से, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है, ध्यान रखना, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, यानी अलग से लिख देता हूँ, एम ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, ई का मतलब यहाँ पर क्या है, आवेश, किसमें, कूलम में, यानी जिसको सी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, तो द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम या ग्राम में, ठीक है। तो ये इसने बताया क्या, ई बटे एम ई अनुपात, ठीक है, कितना जो है इसने बताया इसका मान, ठीक है, 1.75880 इंटू कूलाम इंटू 10^11 कूलाम प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये जो है किसने बताया, थॉमसन ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ई वाई एम अनुपात जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस ई वाई एम से मिलिकन ने जो है इससे क्या ज्ञात कर दिया, मिलिकन ने इसे क्या ज्ञात कर दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, मिलिकन ने क्या किया, हम देख देते हैं, मिलिकन ने ई बटे एम ई से जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात कर दिया। कैसे ज्ञात कर दिया, देखो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, मिलिकन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलिकन तेल बूंद विधि से ज्ञात किया। ये तेल बूंद विधि कभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसने इस विधि से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कर दिया। कितना मान था इलेक्ट्रॉन का आवेश, मान था 1.602 और मान जो है एग्जैक्ट मान देखें तो 602176 इंटू 10^-19 कूलाम, ठीक है, कितना आया 1.602176 इंटू 10^-19 कूलाम, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब मिलिकन ने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, ठीक है, यानी एम ई कैसे याद किया, मिलिकन ने, आगे हम इससे काम में लेते हैं, ठीक है, कि ई बट्टे में एम ई दोनों इसमें रखे, ये कितना था 1.602176 इंटू 10^-19 कूलाम, ठीक है, बट्टे में क्या है ये अनुपात, ये रखा 1.75880×10^11 कूलाम किलोग्राम, ठीक है, ये बट्टा में है ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपके प्राप्त हो जाएगा एम ई का मान जो है वो नोट कर लेना 9.10, ठीक है, और −10^-31 किलोग्राम, ये जो है वो किसका मास है, एक इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम मास है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है, 1094 एग्जैक्ट मान देखे जाए, ठीक है,
ये जो है आपको ध्यान रखना, 9.1 ही काम में लेते हैं हम।